नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से टॉरस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। और आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि का ढेर सारा शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को सभी का मनोकामनाएं पूरी करें। देख लेते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग होगी 15 से लेके 21 अक्टूबर तक होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं 15 से लेके 21 अक्टूबर तक टॉरस यानी वृषभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। फोर ऑफ कप्स, हैरोफ्रंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान फिलहाल थोड़ा दुखी हैं। हो सकता है इन्होंने पहले आपको इग्नोर किया था। वैसे भी ये रीडिंग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का है। ये आपका हो सकता है कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है बेस्ट ऑप्शन के लिए इन्होंने पहले आपको इग्नोर किया था। किसी भी कारण से अगर पहले इन्होंने आपको इग्नोर किया था तो अभी ये इंसान दुखी है, परेशान है। ये भगवान से प्रेयर कर रहा है रिश्ता सही हो जाए, लख बदल जाए, उनका वक्त बदल जाए, ये किस्मत जो है उनका साथ दे दे और वो रिश्ते में दोबारा से चले आए। क्योंकि जो भी उनके पास है ये उससे खुश नहीं है, जो उनके पास नहीं है मतलब आप, ये उसके लिए परेशान है। हो सकता है जब आप उनके पास थे उन्होंने तब आपको कीमत नहीं दिया, आपको उतना वक्त, प्यार, इज्जत कुछ नहीं दिया होगा, इसीलिए अभी आप उनके पास नहीं हो, ये परेशान है, दुखी है और ये भगवान से यही प्रेयर कर रहा है कि कब वक्त बदल जाए और भगवान सब कुछ सही कर दे। ये वक्त बदलने का इंतज़ार कर रहा है, समय बदलने का इंतज़ार कर रहा है कि वक्त उनके हक में आ जाए और सब कुछ सही हो जाए, पहले जैसे हो जाए, जैसे जो चल रहा था। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो लियो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। आपका बर्थ नंबर 10 5 4 हो सकता है। बारह भी हो सकते हैं। देख लेते हैं ये पर्सन आपसे चाहता क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, इन्होंने आपके बगैर रह के देख लिया शीत, जारा मतलब जारा, गर्मी, बरसात सब कुछ सह लिया रिश्ते का। अभी इनको पता चला कि आप जो इनके लाइफ में थे कितने कीमती थे। वही तो होता है जब किसी के लाइफ में कोई है रहता है उनका अहमियत नहीं होता है। जब वो इंसान लाइफ से चला जाता है, मूव ऑन कर जाता है, तभी उनको लगता है या फिर नो कांटेक्ट, बात नहीं होता है आपके सामने, वो नहीं रहता है, तभी उनकी जो कीमत है वो हमें पता चलता है। अभी देखते हैं ये इंसान, ये पर्सन जो भी है, बंदा या बंदी, ये आपसे चाहता क्या है। टॉरस,
आपके पर्सन आपसे क्या चाहता है, टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहता है। ये सब पेंटिकल्स चाहे गई बंदा, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंतज़ार कर रहा है। ये चाहते हैं रिश्ते में मेहनत किया जाए, गिव अप नहीं किया जाए इस रिश्ते से। ये अपने लिए स्टैंड लेने वालों में से नहीं था ये बंदा, लेकिन अभी ये अपने लिए स्टैंड लेने के लिए भी राज़ी है। ये इंतज़ार कर रहा है कब आपके लाइफ में, आप इनके लाइफ में आओगे, कब ये रिश्ता सही होगा। हो सकता है आप 7 महीनों से, 7 हफ्तों से, 7 सालों से या 1 सालों से, 1 महीनों से अलग हो, लेकिन ये इंसान या आप लोगों में बातें बंद हैं। ये इंसान आपके साथ लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये चाहते हैं ना ये गिव अप करे इस रिश्ते से, ना आप करो। ये भी मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपसे भी ये उम्मीद रखता है कि आप भी इस रिश्ते में मेहनत करोगे तो ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है, रिश्ते में कुछ नया हो सकता है। अगर इस रिश्ते में पैसों की परेशानी थी तो ये बंदा या बंदी ये चाहते हैं कि दोनों मिलके मेहनत करके ये परेशानी ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा ही सही, लेकिन परेशानी तो कम होगा और ये रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ये उस चीज़ की उम्मीद भी ये बंदा या बंदी रख रहा है। ये आपसे भी यही उम्मीद करता है कि आप भी इस रिश्ते से गिव अप ना करो, आप भी रिश्ते में दोबारा से एंट्री करो, आप भी रिश्ते की समझ लेके, रिश्ते में जो ज़रूरत है उसकी समझ से आप रिश्ते में दोबारा से आ जाओ। ये इंतज़ार कर रहा है बंदा कुछ खुशी का, खुशी की पलों का इंतज़ार कर रहा है, जिसके लिए ये मेहनत करने के लिए भी राजी है। और एक बात, इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, इसका भी समझ उनमें है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बिना कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता। अभी देख लेते हैं ये खुद क्या एक्शन लेंगे। जो वक्त मैंने बताया 15 से लेके 21 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इनका एक्शन क्या हो सकता है। 15 से लेके 21 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इनका एक्शन क्या हो सकता है। 15 से 21 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस बंदे का क्या एक्शन रहेगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा या बंदी इंतजार कर रहा है। ये आता चाहता है बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आया है। ये एक स्टेबल प्यार भरा रिश्ता लेके आपके तरफ आना चाहते हैं। ये अपने लिए तो मेहनत करना ही चाहते हैं, रिश्ते के लिए भी मेहनत करना चाहते हैं। ये रिश्ते में आना चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ, लेकिन ये बंदा या बंदी थोड़ा इंतज़ार इस बात का कर रहा है, करेंगे कि जब तक उनको स्टेबिलिटी ना मिल जाए, इनको रिश्ते की क्लैरिटी है। हो सकता है ये जिस रिश्ते में है आपके साथ, जो ये रिश्ते में है, इस रिश्ते को ये मन ही मन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करता है, तो ये स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आना चाहेंगे। रिश्ते में ये एक्शन लेने के बारे में तो बहुत सोच रहा है, क्योंकि ये खुद भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं, आपसे भी उम्मीद कर रहा है, आपसे भी उम्मीद कर रहा है कि आप भी गिव अप ना करो। इसीलिए ये इंसान सिर्फ थोड़ी इंतज़ार कर रहा है अपनी स्टेबिलिटी का। अगर मैं कहूँ कि ये क्या एक्शन लेंगे, ये आपसे मिलने आ सकता है, ये आपसे टेक्स्ट कॉल मैसेज कर सकता है, ये आपसे दोबारा से स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आने के बारे में बोल सकता है। ये नया कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते में,
नया कुछ करके रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। यही इनका एक्शन रहेगा कि ये आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि इनको क्लैरिटी है रिश्ते के बारे में। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी भी हालत में रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर इनके पास कोई ऑप्शन है भी, किसी किसी के लिए कोई ऑप्शन के भी चांसेस है, लेकिन फिर भी वो अभी उस ऑप्शन के तरफ नहीं देख रहा है। अभी आप ही उनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी हो। ये आप ही के बारे में सोच रहा है। स्टेबल ऑफर दे सकते हैं आपको, शादी का ऑफर। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो ये बंदा या बंदी आपको शादी का ऑफर भी दे सकता है। स्टेबल ऑफर के साथ आ रहा है। स्टेबिलिटी के बारे में ये हमेशा ही सोचता रहता है ये बंदा, और अभी आपको एक स्टेबल ऑफर भी देगा। हो सकता है पहले इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था। ये कमिटमेंट देने वाला बंदा है भी नहीं, लेकिन फिर भी ये अभी कमिटमेंट के बारे में आपको बताएगा। ये बंदा किसी को कमिटमेंट देने वाला बंदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको देने की बात करेगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। जजमेंट, ये आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी पर्सनैलिटी का कायल है। ये इंसान इंतजार कर रहा है कब ये रिश्ता, पुराना रिश्ता उनके लाइफ में वापस आएगा। मतलब आप जिनके साथ इनका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन है, इनको पता है इस रिश्ते में विक्ट्री है, इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। ये रिश्ता एक जिंदा रिश्ता बन सकता है, ये रिश्ता एक सही रिश्ता बन सकता है। अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो बच्चों के लिए रिश्ते में आना चाहता है दोबारा से, और आपकी जो पर्सनैलिटी है ये भी उनको बहुत पसंद है। इसीलिए यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको इस रिश्ते में आना है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पुराने रिश्ते को अगर दोबारा से आपको पाना है, आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कब तक? जब तक आप लोगों को पूरी तरह से स्टेबिलिटी ना मिल जाए और रिश्ते के बारे में सही नॉलेज ना हो जाए कि इस रिश्ते को चलाते कैसे हैं। अगर आपके पास और भी ऑप्शन है फिर भी इस रिश्ते में हो, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप दो दो रिश्ते चलाते हो तो दो रिश्ते चलाने की काबिलियत भी होनी चाहिए। क्या ये आपके पास है? अगर नहीं है तो आप इंतज़ार करो, जब वक्त सही आएगा, सही वक्त पे आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। जितनी जल्दी आप सोच रहे हो उतना जल्दी का काम ये है नहीं। ये बंदा या बंदी जो भी है, आप हो, दोनों को ही इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इनके पास कोई और रिश्ता भी है। ये कमिटमेंट देने वाला बंदा है ही नहीं। इनके पास पहले से ही कोई शादी का रिश्ता है, और अगर आप खुद शादीशुदा हो इनसे तो आप इस बात का तो इल्म आपको होगा ही। ये चाहे भले ही किसी और रिश्ते में हो, इनका जो जड़ है ये इनका परिवार है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।